no! हाय हेलो वेलकम बैक। और ये हम लोग के यहाँ एक सामान है जो कि हम लोग का एंटी थीफ अलार्म है, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले मंगा लिया था, लेकिन फाइनली हम लोग को आज को हम लोग का टाइम मिल रहा है तो हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे हम लोग ये गाड़ी के ऊपर। और ये सामान हम लोग को कॉस्ट पड़ा, हम लोग का एंटी थीफ अलार्म का कॉस्ट हम लोग का 798 रुपीज़, और कुछ पहले कुछ डिस्काउंट्स चल रहे थे अमेज़ोन में, जो कि हम लोगों ने भी अमेज़ोन से ही मंगाया है, और जो डिस्काउंट्स चल रहे थे मतलब 700 पहुँच गया था। और ये आप लोगों को लिंक मिल जाएगा नीचे, तो चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। और चलिए हम लोगों ने पहले इसको खोल लिया था, तो चलिए फिर से खोलते हैं। और इस तरह हम लोग को पैकेट मिलता है, और ये हम लोगों ने ऑटोपाई का ले लिया था, और नीचे में कुछ बिलिंग विलिंग हम लोगों ने, और पैकेट इस तरह मिलता है हम लोग को। और यहाँ पर लोग कोड बार कोड रीडर वगैरह वगैरह। और तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं, और ये हम लोग को सिंपल ये इसमें मिलता है हम लोग को। और ये रहा, और ये वाला स्पीकर हम लोग को अटैच नहीं था इसके साथ, लेकिन हम लोगों ने अटैच कर लिया। और कुछ वायर्स मिलते हैं हम लोगों को, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी ही है। और यहाँ पर हम लोग को दो कीस मिलते हैं, मतलब एक कीस मिलते हैं मतलब ये डेमो के लिए। और यहाँ पर हम लोग को कुछ बटन्स मिलते हैं, और इसमें भी कुछ बटन्स मिलते हैं, ये की रिंग टाइप का। और ये हमें डायरेक्ट की ही मिल जाता है, और इसमें आता है एक डबल टैप जिसको हम लोग ये हम लोग को ये मॉड्यूल हम लोग चिपका सके गाड़ी में। तो यही है बॉक्स कंटेंट हम लोग का। और ये वायरिंग हम लोग का इजी है, और ये वायरिंग डायग्राम इसमें दिया गया नहीं है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सिंपल है ये। तो हम लोग चलिए तो हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं अपना गाड़ी पे। और हम लोग लगाने के लिए हम लोग को यहाँ पर खोलना पड़ेगा ये आगे वाला पोर्शन, तो चलिए इसको खोलते हैं इंस्टॉल करते हैं। और हम लोगों ने ये ऊपर वाला खोल दिया, और ये नीचे वाला भी, और चलिए हम लोग खुल गया। और हम लोग ये वायर हटा देते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर जलता था बार एंड इंडिकेटर में, और यहाँ, और ये साइड वाला भी हटा देंगे। और इसको हेडलाइट का पूरा ये डिस्कनेक्ट कर देंगे, और ये हम लोग का निकल गया, और इस पर काम करेंगे। और ये हम लोग का पूरा यूनिट इस तरह दिखता है, तो चलिए वायरिंग सिस्टम इसका देख लेते हैं। और हम लोग का जो टोटल हम लोग को इसमें हम लोग को 8 यानी कि 8 वायर्स मिलते हैं, और यहाँ एक छोटा सा ये साइड में रहती है ये मॉड्यूल से निकला हुआ, और यानी कि हम लोग का टोटल 9 है। तो ये तो सबसे छोटा वाला, ये तो हम लोग का एंटीना है जो हम नीचे लिख दिए हैं एंटीना, इसको कहीं कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो बचता है हम लोग का टोटल 8 वायर्स जो है लंबा वाला वायर्स, और जो कि हम लोग को यहाँ पर रेड और ब्लैक को देख सकते हैं यहाँ को। और ये तो हम लोग का सीधा पावर में जाएगा, यानी कि हम लोग का बैटरी में जाएगा, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रेड वाला वायर तो हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ब्लैक वाला तो हम लोग का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का में जाएगा। तो ये दोनों वायर तो हो गया, तो अभी आता है येलो वायर्स, जो दो वायर्स हम लोग को मिलते हैं येलो में। तो ये तो हम लोग को इंडिकेटर में जोड़ना है, मतलब फ्रंट का इंडिकेटर मींस पॉजिटिव टर्मिनल में फ्रंट का एक एक करके, यानी कि एक साइड का हम लोग जोड़ेंगे ब्लू वायर में, जो कि हम लोग का ये ब्लू वायर में जोड़ेंगे एक येलो ब्लू एक पॉजिटिव है, तो एक में ब्लू में जोड़ेंगे ब्लू वायर में। और दूसरा हम लोग जोड़ेंगे ये ऑरेंज वायर में, दूसरा साइड का इंडिकेटर ऑरेंज वायर में। तो ये दोनों हो गया, और जो बचता है हम लोग का ब्लू और ऑरेंज, और जिसमें से हम लोग का ब्लू हम लोग का जाएगा स्टार्टर रिले में। और जो ऑरेंज हम लोग का जाएगा वो फ्लैशर्स रिले में, फ्लैशर रिले का ब्लैक में जाएगा। और जो लास्ट में हम लोग का दो वायर्स बेचते हैं हम लोग का पिंक और ग्रे
जो वायर बचते हैं ये हम लोग का गाड़ी के लिए नहीं है, जो हम लोग का स्कूटी के लिए नहीं है, वो पुराना मोटरसाइकिल सब था वही सब में लगता है। तो इसमें तो कोई वायरिंग नहीं करना है, हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे इसको वैसे ही छोड़ देंगे। और जो मैंने बताया था कि आप लोग का ब्लैक जो छोटा सा वायर है यहाँ से निकला है जस्ट, ये हम लोग का खाली एंटीना है। तो यही हम लोग का वायरिंग सिस्टम यही रहा, और आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं गाड़ी में, तो चलिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और चलिए तो हम लोग सबसे पहले रेड मतलब ऑरेंज को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और हम लोग का जो ऑरेंज हम लोग का जाएगा प्लेसर्स का ब्लैक में, जो ब्लैक वायर आपको दिख रहा है ये वाला, वहीं पर घुसा देंगे और ये प्लेसर्स वापस लगा देंगे। और इसके बाद हम लोग ब्लू वायर वाला वायर को ई करेंगे। और ये रहा हम लोग का स्टार्टर रिले, और जस्ट बगल में रहता है फ्लेशर्स रिले के साथ। और जो ये हुक को मतलब हटाएंगे, मतलब यहाँ पर फंसा रहता है और थोड़ा मुश्किल है, ये फ्लेशर्स रिले से थोड़ा मुश्किल है निकालना स्टार्टर रिले। और जो वैसे ही निकल गया हम लोग का। और जो हम लोग घुसाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का दो गो येलो वायर जाती है, येलो में रेड लाइन्स दोनों में, वहीं पर हम लोग घुसाएंगे। ये मतलब डालना है हम लोग को ये ब्लू वाला वायर को, ये लंबा कर लिया था ये वाला। और यहाँ पर बस यहीं पे डाल लेना है और ये तो वापस लगा लेना है। और ये हम लोग का दोनों फ्लेशर्स का बस यहीं पर दो गो वायर हम लोग ख़त्म हो गया। और बढ़िया से सेट कीजिए, लॉक हो गया और वापस उसको रख देते हैं हम लोग बढ़िया से। और तो चलिए जाते हैं दूसरा वायर में। और अभी ये दोनों येलो वायर को ये करेंगे। इसके लिए हम लोग ये हेडलैम्प को हम लोग को लेना पड़ेगा, ये वाइजर को, ये ऊपर वाला। और जो हम लोग का जो इंडिकेटर जो दिख रहा है हम लोग का लेफ्ट राइट इंडिकेटर, और जिसमें हम लोग को ये साइड मिल जाती है, मतलब ग्रीन और ये ब्लू में वायर। तो हम लोग को ग्रीन को टच नहीं करना है क्योंकि पॉजिटिव में, और तो हम लोग को ये पॉजिटिव में मतलब ग्रीन जाता है नेगेटिव में, और हम लोग को मतलब पॉजिटिव में डालना है। और जो कि हम लोग को ब्लू हम लोग को पॉजिटिव में है। तो हम लोग पॉजिटिव में डाल दिए एक येलो को, और दूसरा को हम लोग ये राइट लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर में डालेंगे, और जो कि हम लोग ये ऑरेंज में डाल देंगे, ऑरेंज में डाल देंगे। और ये हम लोग का रहा, और चलिए वापस क्लिप कर देंगे बढ़िया से। और ये हम लोग का हो गया, और ये दो येलो भी हो गया। और ये हेडलाइट को हम लोग पूरा कनेक्ट ही कर लेते हैं यहाँ पे मेन वायरिंग से। और ये रहा, और हम लोग का रहा है जो ये वायरिंग रेड एंड ब्लैक, ये तो हम लोग का डायरेक्ट हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे मीन्स ब्लैक वाला को हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल या फिर चेसी के कोई भी मेटलिक पार्ट में लगा सकते हैं। और ये हम लोग यहाँ पर ही कर दे रहे हैं बैटरी में ही। और जो हम लोग लगाएंगे ये वाला पॉजिटिव को। इसलिए हम लोग का पूरा कनेक्शन हो गया, वायरिंग कनेक्शन। और जो कि हम लोग का इग्निशन है हम लोग का ऑन है, यहाँ DRL यहाँ का जला हुआ है देख पा रहे हैं। और तो यहाँ पर ऑन है और ये लाइट वाइट सब जल रहा है स्पीड में। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ मतलब, और की रिंग मेरे यहाँ ही है। तो हम लोग दूर चल जाते हैं मतलब। और तो चलिए मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे लॉक वाला बटन दाब के। तो ये हम लोग का लॉक हो गया। तो अभी कोई टच करता है तो मेरा बजेगा, तो चलिए इसको टच कीजिए। तो यही हम लोग का बस हम लोग का इतना देर बजेगा बस। और इसको हम लोग अनलॉक करना है, तो यहाँ बगल में दाब दीजिए, बगल वाला बटन में ये अनलॉक वाला बटन है, तो ये दाब देते हैं। तो अभी कोई भी टच करता है तो अभी नहीं बजेगा, अभी टच करके दिखाइए। हाँ, तो यही वाला नहीं बजेगा। तो चलिए इसका टेस्ट मतलब हम लोग ये इग्निशन मतलब हम लोग ये स्टार्ट करके देख लेते हैं अपना गाड़ी को। तो ये इग्निशन बटन है जो थर्ड वाला नंबर में। तो चलिए इसको दो बार दबने से हम लोग का स्टार्ट होता है। चलिए तो हम लोग का गाड़ी स्टार्ट हो गया, और जो मेरा की मेरे यहाँ ही है, और जो हम लोग का स्टार्ट हो गया। जो इसको हम लोग को ऑफ करना है तो हम लोग का ये अनलॉक बटन हम लोग को दबाना पड़ेगा।
तो हम लोग का ये गाड़ी ऑफ हो जाता है। फिर यही है, और ये हम लोग का ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, ये बेल आइकन, जो कि हम लोग यहाँ पर जो गाड़ी हम लोग पार्किंग में रहती है ज़्यादा भीड़ वाला इलाका में, तो हम लोग ये दाब करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं, या फिर कोई आसपास में कोई आदमी सब है तो इसको उन लोग को दूर भगा सकते हैं। बस यही चीज़ बजेगा, बस इतना देर, बस मैं ऑफ कर दिया, ये बहुत देर बजते रहता है थोड़ा सा। तो यही है, ये चारों ऑप्शन यही है, और जो बगल वाला की में भी हम लोग को यही ऑप्शन मिल जाती है। तो और ये फ्रिक्वेंटली यूज़ करने पे ये वायरिंग थोड़ा सा गर्म हो जाती है, तो अभी अभी फ़िलहाल नहीं, मतलब जो फ्रिक्वेंटली आप लोग यूज़ करेंगे ना बैक टू बैक, तो वायरिंग गर्म हो जाती है। और यही है वायरिंग, और दो दो वायर का हम लोग यूज़ नहीं किया है, जो कि हम लोग का पिंक और जो ग्रे कलर है वायर का, हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। ये मतलब हम लोग का बाइक में लगता है, पुराना बाइक में, तो यही है। और तो हम लोग का टोटल मतलब हम लोगों ने 6 वायर यूज़ किया है, और जो कि हम लोग का सिंपल है वायरिंग। और इसको हम लोग ये स्पीकर हम लोग को कहीं पर साट सकते हैं, मतलब यहाँ साइड में ये डबल टेप दिया गया है, और जो इसका मॉड्यूल है जो ब्लैक वाला, इसको भी हम लोग साट सकते हैं, जो कि डबल टेप भी है। और ये रहा हम लोग का चाबी, जिसमें से हम लोग को यही सब ऑप्शन मिलती है, और जो कि चाबी में हम लोग को ये नहीं दिया गया है, ये मतलब डेमो चाबी है। तो यही है हम लोग का पूरा सिस्टम, और ये इजी है, आप लोग लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, वायरिंग सिंपल है, तो ये यही है। तो चलिए, हम लोग का इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने ये आप लोगों को बजा करके भी दिखाया। हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का वैसे ही वायर सब पूरा मतलब पूरा कंजेस्टेड है, इसलिए भी। तो यही था, हम लोगों ने पूरा वायरिंग भी दिखा दिया है। तो यही है एंटी थीफ अलार्म के ऊपर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और अगर ढेर सारा ऐसे वीडियोस ही देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।